सांस फूलने की वजह से अगर इस बच्चे की डेथ होती है तो हमारे सांसद विधायक पूरे डॉक्टरगढ़ सब जिम्मेदार होंगे, पूरी फरिंदा की जनता जिम्मेदार होगी। डीएम महाराजगंज, एक भी डॉक्टर नहीं है किसी के बिना, एक भी डॉक्टर नहीं है डीएम साहब, एक भी डॉक्टर नहीं है, केवल एक डॉक्टर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हैं। मैं दिखा सकता हूँ उन डॉक्टर को, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये डॉक्टर हैं, बस एक डॉक्टर हैं, बाकी एक बच्चे का सांस फूल रहा है तो उसको रिफर किया जा रहा है। क्या सुविधा है हमारे जिले में, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि बनकटी में और फरिंदा में क्या सुविधा है। कोई भी केबिन नहीं ओपन है, बस एक डॉक्टर पूरे स्वास्थ्य केंद्र को संभाल सकता है क्या? मैं पंकज चौधरी आदरणीय वित्त राज्य मंत्री जी से भी मैं पूछना चाहता हूँ, और मैं वीरेंद्र चौधरी जी से भी पूछना चाहता हूँ, विधायक जी से, क्या व्यवस्था हमारे यहाँ है? आपसे अच्छे तो बजरंग बहादुर सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई देख लीजिए, सब में ताला लगा हुआ, देखिए केवल एक डॉक्टर क्या देखेगा, देखिए कौन है यहाँ पे, कौन डॉक्टर बैठे हैं, देखिए जरा, बच्चे को ट्रांसफर किया जा रहा है महाराजगंज के लिए, केवल सांस फूल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। मैं इन सब चीजों से बहुत असंतुष्ट हूँ माननीय संसद जी। देखिए एक गरीब फैमिली का बच्चा है जिसके केवल सांस फूलने के लिए कोई भी इलाज की सुविधा नहीं है फरिंदा और स्वास्थ्य केंद्र बनकटी में। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह यादव है, ग्राम बढ़िया पोस्ट मुड़िला 27 31 62। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं आया था, हमारी भी तकलीफ दूर नहीं हुई। आप देख सकते हैं ये बनकटी है, स्वास्थ्य केंद्र फरिंदा महाराजगंज, ये यहाँ का वीडियो मैं टोटल बना के भेज रहा हूँ। पूरे स्वास्थ्य केंद्र में एक ही डॉक्टर है।